मैं कोई मेरी नौकरी माड़ी नहीं सी है, मतलब मेरी नौकरी इस तरह की सी कि लोग मेरे को खौफ खाते सी कि इस बंदे नू कोई बंदा बीट कर सकता, इनू तो तुसी किसी जगह पर रोक नहीं सकते, एयरटेल आखिरी जड़ा रैंक है उतों तक इनू कोई बंदा नहीं रोक सकता। लेकिन आखिर रुक गया क्योंकि मैं उस जड़ी वो पर्टिकुलरली सोच जिहड़ी ते चल रहा सी या जिहड़ी सोच चाहिदी सी वो एक मौके पर जाके मैं उस सोच तो हट गया। नहीं मैं तुम दस्या ना जी कि जो मैं जवान सी उदों तो मैं पता ही नहीं सी ना। देखो ना एक खास लाइन के उत्ते तुहानू अगर हर तरफ वो फीडिंग ही हो रही है सवाए उसते कि साढ़े जड़े बुजुर्ग सी वो कुछ चीज़ा जड़ियाँ दसते सी लेकिन वो असं कभी परवाह ही नहीं की। वो घट ही स्त्री सी तो उसको मनते सी जो सू उत्थे जड़ा दसिया जाता सी स्कूलों या जड़े किताबा इधर उधर अखबारें जड़ा आता सी या टीवी आ गया रेडियो आ गया वो उत्ते जड़ा बंबार्डमेंट प्रोपेगेंडा बंबार्डमेंट होंगी है ना जेन दे उत्ते तो वो जी होंगी सी असी तो उन्होंने वो तो फिर जो एक स्टेज इंसान की आँदी है कि जो वो देखता है कि यार कि सारी मैं जिन्हों इस चीज़ को जिन्हों मैं बहुत ही मुकद्दस समझदा जिन्हों मैं समझदा कि इतने गलती हो नहीं सकती तो बलंडर उतों निकल रहे हैं गलती छोटी सर बलंडर उतों निकल रहे हैं तो ये आखिर की वजह है। ठीक है मतलब एक स्टेज सी जिदे उत्ते जाके मैं ये मैनू समझ आई वो भी फिर कि असी बैठांगे किसी वक्त ते गल करांगे। लेकिन सर्विस से तुसीं फिर भी जारी रखी ना। सर्विस नहीं एक स्टेज आई जिदे उत्ते मैं सर्विस तो इनकार करता। ये कदों की गल है? ये 99 की गल है। उदों की सो तुसीं लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके होया सी मैं उदों मैं अपने बॉस नूं कहा कि मैं मेरा माइंड मिलाप नहीं है ना वो की वाकया सी मैं उही कहना वो बाद ही दसांगा तुहानू एक बहुत वो फिर लंबी स्टोरी हो जाएगी। अच्छा तो वो इस तरह हैगा कि वो फिर मैं उन्हें कहा कि जी कि नहीं ये लेकिन बहरहाल बहुत कुछ प्रेशर्स होंदे ने मजबूरियां होंदियां ने कि फिर तुसी की करोगे और दूसरा ये वे कि मैं कोई मेरी नौकरी माड़ी नहीं सी है मतलब मेरी नौकरी इस तरह की सी कि लोग मेरे को खौफ खाते सी कि इस बंदे नू कोई बंदा बीट कर सकता इनू तो तुसी किसी जगह पर रोक नहीं सकते एयरटेल आखिरी जड़ा रैंक है ये उतों तक इनू कोई बंदा नहीं रोक सकता। लेकिन आखिर रुक गया क्योंकि मैं उस जड़ी वो पर्टिकुलरली सोच जिहड़ी ते चल रहा सी या जिहड़ी सोच चाहिदी सी वो एक मौके ते जाके मैं उस सोच तो हट गया। मैं क्या कि नहीं ये गलत है बस तो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो तुसी होवो तो फिर वो दे नाल ही चलना पैंदा ना जी। अच्छा असी दोबारा पिछे जाने हां तुसी डॉक्टर जदों डॉक्टरी तुसी कर ली हाँ जी तो फिर फौज किस तरह गए? एक तो तुहानू मैं दस्या कि मैं मेरे जेहन छाई हुई सी फौज उदो हर हालत मैं सी कि पहला प्रायोरिटी सी मेरी कि जीडी पायलट बनना जीडी पायलट नहीं बनता तो आर्मी चला जाता आर्मी च जाके मेरी पसंद की सी जिहड़ी सब तो अगे जाके फोर्स जाके जिहड़ी लड़दी है आर्मर्ड टैंक्स ये सब तो अगे होंदे ने इनफेंट्री तो उहदे पिछे जांदी है। ठीक है वो मेरी प्रायोरिटी नंबर वन सी। फिर अगर मैनूं ऐसे कि तीसरा चॉइस मेरी की सी नेवी नेवी दे विच कित्थे जाना सी नेवी च मैनूं पसंद सी सबमरीन वो उहना च टॉप मोस्ट है। ये तो मेरी अपनी सोच सी लेकिन इधर मैनूं फौज ने ही एक्सैप्ट नहीं किया कह के जी कि नहीं तुसी इस लायक नहीं है। ठीक है कभी मैडिकल बेस पर कटता कभी उधरों ISS बीचों फर्क करता उन्हें कह के डॉक्टर डॉक्टर बन गया डॉक्टर बन के ते फिर उदों ये हुंदा सी दो साल एक
लाजमी नौकरी करनी होंदी सी या तुसी फौज की कर लो या तुसी दूर दराज सिविल गवर्नमेंट की कर लो। दूर दराज के जिहड़े बेसिक हैल्थ यूनिट और इस तरह की जिहड़ियां जगहां होंदियां सी उत्थे जा कर 2 साल तो बाद फिर तुहाडी मर्जी है कि तुसी रहना चाहते हो रहो नहीं रहना चाहते छड़ दिओ। वो लाजमी नौकरी होंदी सी उस दे तहत फौज ने बुला लिता तो असी आ गए पहले तैयार बैठे थे ठीक है। और उस तो बाद फिर लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता लाइक उदो जो आ गया एक दिन उदो मैं पता सी कंपलसरी नौकरी है तो करनी है तो मैं वो हाउस चैफ वगैरह का इन्ना रौला नहीं हुंदा अज तक कंपलसरी है ना हूँ हाउस चैफ करना कंपलसरी है तो एम बी बी एस की डिग्री नहीं मिलती अगर हाउस चैफ साल का तुम नहीं करोगे उदो ए नहीं सी है। किहड़े सन जो तुसी एम बी बी एस किया 82 ते 82 तो बाद तुसी फिर फौज चले गए 82 जी फौज कैप्टन डॉक्टर हाँ जी ते वो मैं ईवन रेगुलर हाउस चैफ भी नहीं किया उत्थे जिथे हालांकि मेरी पोजीशन बहुत अच्छी सी मतलब कि टॉप दे स्टूडेंट मैं पास किया बेस्ट ग्रेजुएट मैं अपने क्लास का तो मैं कितने भी हाउस चैफ मिलता सी अपने उत्थे भी मिल जाए लेकिन मैं उत्थे नहीं किया फैसलाबाद अपने हॉस्पिटल ने किया मैं कह गुजरां वाले जाके नाले घर रहांगे नाले कि उत्थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दे विच मैं हाउस चैफ कर लैना और उत्थे भी जाके मैं कोई वो ये नहीं इंटरेस्ट ले कि जी मैनू तुसी पैसे दोगे वो पैसे भी होंदे सी हाउस चैफ दे पैसे होंदे ने मिलदा उन्हां नूं स्टाइपेंड टाइप मिलदा मैं उसनों भी नहीं परवाह की थी। मैं कही बस ठीक है किसी और दे दो तुसी मैं महीना 2 महीने आएगा तुहाडे कोल मैं तो आर्मी की कॉल आ जाने मैं चले जाना यही होया कोई 2-2.5 महीने मैं उत्थे जॉब की थी गुजरां वाला सर्जरी और उस तो बाद वो आ गया तो मैं छोड़ता बगैर किसी उस तो छोड़ के और जो ही कॉल आई उस तो बाद फिर नहीं मैं हॉस्पिटल गया जो फिर वो सारा प्रोसीजर करके असी लैंडेड इन आर्मी गुजरां वाला कैंट च उन्हें अटैच करता सिविल कपड़िया च ही उत्थे ही वर्दी उन्हें बनवा के दिती ते पैसे तो अपने सी तो वो उत्थे उन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह पहनवा पहनानी सिखा दी साडे सीनियर्स ने ठीक है कप्तानी असी लगा ली और उत्थे ही थोड़ा जिन्ना पता चलिया कि जी एस एच जी एक फोर्स है पहला तो असं समझते होंगे सी कि छाता बरदार एक फौज होंगी है जोड़ी जी पानिया भी छुप जाती है तो कितले भी छुप जाती है वो नज़र नहीं आते वो उपरों जहाज तो छलांग लगाते हैं आके बैठ जाते हैं तो पता नहीं चलता तो वो छाता बरदार फौज एक सू पता सी पहला कि होंगी है लेकिन एस एच जी का नहीं सी पता कमांडो कमांडो जोड़े फौज इदा नहीं सी पता मैं ठीक है वो फिर वो उदों उस दौरान ही शुरू के दिनों के किसी असी जो रात को खाना खा के निकले तो यंगस्टर्स बाकी भी सी कोई इन्फेंट्री का कोई सिग्नल का कोई साढ़े पुराने जोड़े सीनियर मेडिकल ऑफिसर से कप्तान जोड़े से वो खाना खा के असी भी उन्होंने नाल ही तो उन्होंने नाल नाल से उन्होंने बच्चों की तरह वो जिधर कहते कहते इतने बह जाओ बह गया उठ जाओ उठ जाओ उधर जाना वो को बैठ के वो असी वो दूसरे कुछ कप्तान से कमरे के चले गए कि चाय उत्थे जाके पीने उन्हें कहा चाहे मेरे कमरे च पीने चलो जी थोड़े कमरे च पीने उत्थे जाके चले गए तो उत्थे जिक्र होया एस एच जी का कि वो कोई इन्फेंट्री वाले बैठे सी ना तो देखो ना डॉक्टर बैठेगा डॉक्टर आपस में डॉक्टरी की गल करेगा इन्फेंट्री वाला बैठेगा तो इन्फेंट्री की गल करनी है तो अगर पहाड़िए बह जाएंगे तो पहाड़ा की गल करेंगे ठीक है वो इन्फेंट्री वाले तो उ करनी है उन्होंने मेजोरिटी से उन्होंने उ गल करनी है वो करते करते एस एच जी का जिक्र आया एस एच जी का जिक्र आया तो उन्हें कह के जी ये तो बड़ी ये आम बंदे का काम ही नहीं है बड़े बड़े फने खान होंगे ने जाते हैं वो नहीं कर सकते तो मैं तुम दसा जो मैं मैट्रिक दे साइंस सब्जेक्ट रखे से ना वो मैं इस जिद नाल रखे से कि बड़े औखे होंगे वरना उदू सू इन्नी होश नहीं सी है कि साइंस रखनी है कि आर्ट्स रखनी है ठीक है सब्जेक्ट्स कि रखने ने मैं वो जिहड़ा भी लोग जिहड़ा मुश्किल तरीन समझते ना पहले साइंस वो कहंदे सी जी मुश्किल है मैं कह साइंस ही पढ़नी उहदे च पता चलिया कि जिमेट्रिकल टैक्निकल ड्राइंग ज़्यादा मुश्किल है मैं कह फिर यही पढ़नी है
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨੇ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੌੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ।